कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट बैटल ऑफ सबमिटिंग विधानसभा नॉमिनेशन फॉर्म इन महाराष्ट्र हैज बीन ओवर, यानी कि आज की आखिरी तारीख थी और 3 बजे तक का टाइम था। 3 बजे के बाद कोई भी इंसान अगर उसने अपनी 10,000 रुपया डिपॉजिट नहीं भरा है तो वो शपथ नहीं ले सकता था। तो अब टुमारो कल 11 बजे 30 तारीख को सारी पार्टीज को जो जो अपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा किए कैंडिडेट्स ने, उन्हें जाना है आरओ के इधर, रिटर्निंग ऑफिसर के इधर, और 11 बजे सब क्लियर हो जाएगा कि किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ और किस वजह से रिजेक्ट हुआ, और हर किसी को क्लियर कट हो जाएगा कि वो इस विधानसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। दूसरी बात, मुंबई में, साउथ मुंबई में टोटल 6 विधानसभा की सीट्स है, 182 वर्ली, 183 सिवड़ी, 184 बाइकला, 185 मलबारी, 186 मुंबादेवी और 187 कुलाबा। और अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ दीज 6, 4 सीट्स पे हमने अपनी किस्मत आजमाने के लिए कैंडिडेट उतार दिए, जिसमें से है 182 वर्ली, 184 बाइकला, 185 मलबारी, 186 मुंबादेवी और जो कुलाबा की सीट है 187, जहां पे प्रशांत गाड़गे इंडिपेंडेंट के तौर पे अपनी किस्मत आजमा रहे, तो एम पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें बाहर से सपोर्ट दिया, समर्थन किया है। तो इस तरीके से साउथ मुंबई में हमने 55% के रेशो से अपने कैंडिडेट खड़ा किए। अब प्रॉपर मुंबई में 10 सीटें विधानसभा की और हमने 4 कैंडिडेट खड़ा किए, इसका मतलब प्रॉपर मुंबई में हमारा एवरेज आ रहा है 40% और इंटायर मुंबई इंक्लूडिंग सबअर्बन 36 सीट्स है विधानसभा की। तो अगर हमने हमारे 4 कैंडिडेट खड़ा किए तो इसका मतलब है कि हम 10% पे फाइट कर रहे हैं अपने वजूद के लिए, अपने नाम के लिए, और कैंडिडेट हर तरीके की कोशिश करेंगे कि वो सीट जीते। तो कहने का मकसद ये है कि एम पॉलिटिकल पार्टी को बने हुए 10 साल हुआ, 2015 फरवरी में इसका रजिस्ट्रेशन आया था न्यू दिल्ली से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, और इन 10 सालों में हमने 2019 का विधानसभा का इलेक्शन देखे, लोकसभा का इलेक्शन देखे, उस वक्त भी 2019 में भी एम पॉलिटिकल पार्टी ने 4 जगह से विधानसभा की सीट लड़ी थी, और अब 2024 में भी 4 जगह से सीट लड़ रही है। जैसे कि लास्ट टाइम जो 20 मई को इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो मैं फ्रॉम मुंबई साउथ से फाइट किया था इन फ्रंट ऑफ अरविंद सावंत और यामिनी यशवंत जाधव। कहने का मकसद है कि दिन ब दिन हमारा गिराव बढ़ते जा रहा है, एम पॉलिटिकल पार्टी का गिराव बढ़ते जा रहा है, और एम पॉलिटिकल पार्टी की खासियत है जब भी इलेक्शन होता है फर्स्ट डे जाके वो नॉमिनेशन फॉर्म लेती है और नेक्स्ट डे जाके अपना फॉर्म सबमिट करती है, कैंडिडेट का फॉर्म सबमिट करती है। हम आज देख रहे थे क्या नफसा नफसी का आलम था, हम 184 में भी कहते देखे नफसा नफसी का आलम, 182 में भी कहते वर्ली देखे नफसा नफसी का आलम, किस तरीके से लोग पागल हो रहे थे स्टैंप पेपर खरीदने के लिए, एफिडेविट बनाने के लिए, नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए, और वो लाइन में खड़े थे। तो इस तरीके से एम पॉलिटिकल पार्टी, जिसका मैं फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट और मोहम्मद नईम शेख, हमने हमारे तरीके से बहुत ही अच्छा काम किए, और हमें पूरी उम्मीद है कि टुमारो 11 AM हमारा एक भी फॉर्म आउट ऑफ 4 रिजेक्ट नहीं होगा। तो समझ लीजिए कि अब एम पॉलिटिकल पार्टी की पॉपुलरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है, और हमें उम्मीद है इस बार जो लोग हमारी पार्टी से टिकट नहीं लिए आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में हमसे टिकट लेंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे, और एम पॉलिटिकल पार्टी यकीनन एक दिन बहुत ही नाम ऊंचा करेंगे।